Good morning, friends. Today, once again, I have tried to make a capsule learning program for late bloomers. And this is the topic we have chosen, balance of payment. And as you know, that the 6 marks questions will come from the board exam. And approach is that there are some set areas और उस एरिया से क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट लगभग क्वेश्चंस आते हैं और उसको पकड़ने का प्रयास है, क्योंकि जो क्वेश्चंस श्योर एंड शॉर्ट हैं अगर ये पकड़ में आ जाएं तो बाकी में भी हम थोड़ा सा हाथ पैर मार लें तो हमें अच्छा स्कोर हो जाएगा और जो पास होने की जो संभावना है वो बिल्कुल बन जाएगी। तो इस प्रयास में बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जैसा कि जानते हैं कि द एवरीडे गवर्नमेंट स्किप्स record of the different transactions that take place between the countries, और हर दिन गवर्नमेंट कुछ न कुछ, हर साल गवर्नमेंट कुछ न कुछ एक देश से दूसरे देश के बीच में कुछ व्यापार होता है, चीज़ों को का आदान प्रदान होता है। तो उसको मैंने किस तरीके से एक लेट ब्लूमर्स का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने इसको बनाने का प्रयास किया। पहले देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम किसको कैसे समझे, कितना दिया और कितना लिया, एक वर्ष का हिसाब, कितना दिया और कितना लिया एक वर्ष का हिसाब, किसके किसके बीच में। तो यहाँ देखिए डायग्राम मैंने बनाया है रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स के बीच में। अब यहाँ दो वर्ड यूज हुए, दिया और लिया का तो हिसाब समझ में आता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी हो रहा है, रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स के बीच में। तो अब रेजिडेंट्स कौन है, नॉन रेजिडेंट्स कौन है, जो रेजिडेंट मतलब सिटीजन्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा एक वर्ष के अंतर्गत, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, उसको हम इसके अंतर्गत लेते हैं। इसको थोड़ा सा और विस्तार दिया मैंने। अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, और जब बोर्ड एग्जाम में जब ये बच्चे तैयार करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही अंडरलाइन करने की जरूरत है। हम लिख देते हैं और समझते हैं कि मार्क्स मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा आंसर शीट्स होती हैं उसमें एक एक लाइन को एक एक वर्ड को पढ़ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड। और ये मैं क्लास में हमेशा बच्चों को बताता हूँ, लेकिन फिर भी जो केयरलेस एटीट्यूड है वो उसकी वजह से बच्चों को बड़ा नुकसान होता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया। अब जैसे ही मैंने अकाउंटिंग स्टेटमेंट लिखा, ये आपको समझाने के लिए बोर्ड वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूँकि आपको दिमाग बैठाना है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे ही अकाउंटिंग स्टेटमेंट है मतलब इसमें दो साइड्स आ जाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसमें डेबिट साइड होगा एक और एक क्रेडिट साइड होगा। अब इस दिमाग में आता ही है कि डेबिट साइड में क्या होगा और क्रेडिट साइड में क्या होगा, तो जो भी हमारे यहाँ आउटफ्लो होगा वो डेबिट की बात हो जाएगी और जो भी इनफ्लो होगा वो क्रेडिट की बात हो जाएगी। मतलब जो पैसा आता है तो इनफ्लो मतलब क्रेडिट साइड, और पैसा जाता है जो आउटफ्लो डेबिट साइड। सो एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provides a systematic record of all the economic transactions। देखिए मैं फिर यहाँ पर मैंने क्या अंडरलाइन किया, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को अंडरलाइन किया है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट को किया था, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब दो बातें हैं, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। अब मैंने पूरे वर्ल्ड का एक बना दिया मैप, क्योंकि ये मेमोरी पावर के कुछ खास बातें जो मैंने अध्ययन किया है कि हम बचपन में जो वीडियोस, जो तस्वीरें, जो कहानियां सुन लेते थे वो अभी तक याद होती हैं और बुढ़ापे तक याद होती हैं। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और मैंने ये डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम को मैंने इंडिकेट किया ये वर्ल्ड है, और वर्ल्ड के को हमने दो भागों में वैसे बांट दिया, पहले रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। अब रेजिडेंट्स का एक ये सर्किल है और नॉन रेजिडेंट का एक सर्किल है, जहाँ की डेफिनेशन में दिया है ना कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब रेजिडेंट्स में कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, जैसे मैं आप, फर्म्स, कंपनियां जो हैं, छोटी छोटी फर्म्स जो भी हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी, ये तीनों को हमने रेजिडेंट का हिस्सा माना। और फिर नॉन रेजिडेंट्स में देखिए, डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स, ये आ जाएंगे किसमें। और प्लस मैं स्टार मार, चूँकि स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ लिया टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स, ब्रांचेज ऑफ फॉरेन कंपनीज इवन दो दे आर ऑपरेटिव इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यहाँ ध्यान देने की बात है। अब ये सारा कुछ कंपोनेंट्स जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट डेफिनेशन के रूप में दे देगा, क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड एंड क्वेश्चन के पूछ सकता है एक एग्जांपल दे कि ये यहाँ से पैसा एक कंपनी यहाँ सर्विस कर यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है तो क्या ये डेबिट साइड होगा क्रेडिट साइड होगा, ये मतलब इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने एक और वर्ड यूज़ किया था, देखिए 3 लाइन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को भी समझना जरूरी है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आखिर है क्या? तो एक फिल्म था एक उसके 2 लाइन्स थे, अपना सपना मनी मनी, तो मैंने वहाँ से लाइन उठाई और इसमें दिखाया जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है, जिसे भी आपने पढ़ा भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शन्स विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या है? दोज ट्रांजेक्शन्स विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स सर्विसेज मनी एंड एसेट्स। तो इन सब चीज़ों का जो भी ट्रांसफर हो रहा है, उसके टाइटल में परिवर्तन हस्तांतरण हो रहा है, तो उन सबको हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन ऐसे बना, एक बार आप देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से कंप्लीट बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिनेशन बना। सो अभी तक आपने देखा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने देखा, अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में की कैटेगरीज कौन कौन सी। तो पहली कैटेगरीज क्या है? यह है विजिबल विजिबल आइटम्स। इसके कौन सा आइटम है? विजिबल आइटम्स। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है इनविजिबल आइटम्स की, इनविजिबल आइटम्स की, आइटम्स के। और तीसरी कैटेगरी हमने बनाया ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये 3 कैटेगरी हमने बनाई, विजिबल आइटम्स, इंडिविजुअल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की। और ये चौथी कैटेगरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल TRANSFER ट्रांसफर्स। तो ये 4 कैटेगरी हमने बनाया, पहला विजिबल आइटम्स, दूसरा इनविजिबल आइटम्स और यूनिटल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल ट्रांसफर से, लास्ट से मैं देखता हूँ कैपिटल ट्रांसफर से है क्या। तो इसमें जो हमने उन चीज़ों को इंक्लूड किया जो कैपिटल रिसिप्ट से जो उनका संबंध है, ठीक है। तो इसको मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ तो लिखना पड़ेगा कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेटेड टू द कैपिटल रिसिप्ट। जिस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि थ्रू बोराइंग और सेल ऑफ एसेट्स, कैपिटल एसेट्स में उन्हीं चीज़ों को रखते हैं ना जिसमें बोराइंग और सेल ऑफ एसेट्स हो, मतलब जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को जो अफेक्ट करते हैं। तो कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेट टू द कैपिटल रिसिप्ट लिख देते हैं इसको, फोर्थ पे लिखते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स को हम लिख देते हैं, पूरा डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ से लिखते हैं। तो ये क्या है? कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर सीटी लिख दिया, कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेट टू कैपिटल रिसिप्ट। अब ये ध्यान रखा, ये रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट। अब आपने कैपिटल रिसिप्ट ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था? बजट में, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, तो याद रखना पड़ेगा। तो इंटरलिंक्ड है, इसको मैं लिखता हूँ थ्रू THROUGHS through BORROW in borrowing or sale of assets। तो मतलब जैसे आपने सेल ऑफ एसेट्स में देखा कि गवर्नमेंट अपने जो इंटेक्स को घटाती है जो डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा, तो हम यहाँ पर कैपिटल एंड कैपिटल पेमेंट्स पेमेंट्स इसमें लिख दो TH थ्रू कैपिटल पेमेंट थ्रू कैपिटल रीपेमेंट्स कैपिटल री PAYMENTS रीपेमेंट्स और परचेज ऑफ और परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ एसेट्स। तो ये हमारा
कैपिटल ट्रांसफर्स में क्या क्या आएगा, कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेट टू कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स। अब ये कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या है, कैपिटल पेमेंट्स में क्या क्या है, ये पहले हमारा पहला जो जो कैटेगरीज थी उसके हमने चार भागों में बांटा था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की, तो ये चार भागों में पहले हमने कैपिटल ट्रांसफर्स को देखा। इसके बाद हम देखते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल मतलब यूनि जो वर्ड है रूट वर्ड को पकड़ेंगे तो एक तरफा, वन साइडेड। अब वन साइडेड में क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लो कि हम किसी को कुछ गिफ्ट दे दें तो गिफ्ट्स में हम ले लेंगे। पर्सनल रेमिटेंसेज मतलब हम अपने किसी खास व्यक्ति को, फॉरेन में हम काम कर रहे हैं और उसको हम कुछ भेज रहे हैं तो रेमिटेंसेज, और रेमिटेंसेज और इसी तरह के जो हैं जो भी वन वे ट्रांजेक्शन्स होंगे, वन वे ACTN ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इसके एवज में हम कुछ लेते नहीं हैं, तो इसको हम इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रांसफर्स डोंट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट। तो इसको भी लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो एक वर्ड मैंने यूज किया, क्या यूज किया, अनरिक्विटेड, इसको वोकैबुलरी के लिए ठीक है, लिक्विटेड ट्रांसफर्स, TRANS ट्रांसफर्स, मतलब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ट्रांजेक्शन्स डोंट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रिपेमेंट। तो नो क्लेम, शॉर्ट में लिखते हैं नो क्लेम फॉर रिपेमेंट। तो ऐसे ट्रांसफर्स को हमने नाम दिया अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स। तो ये हमारा हो गया यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का इसके। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा है ये है इनविजिबल आइटम्स। हमने चार भागों में डिवाइड किया था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को, तो हमारा ये दूसरा पॉइंट है। अभी तक हमने दो पहले कर लिए हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और ये इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में क्या होता है, जो वो उस सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स को लिया जाता है जो सर्विसेज बेसिकली, जैसे शिपिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, जो इनटेंजिबल है, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वास्तव में उनका बड़ा महत्व होता है। तो हम शिपिंग जैसी है, शिपिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ठीक है, तो इनको हम इसके अंतर्गत, ये इनकी विशेषता होती है कैन नॉट बी सीन, दे कैन दे फेल्ट टच्ड और मेजर्ड, ठीक है। आइटम्स दीज आर कॉल्ड द इनविजिबल आइटम्स एज दे आर कैन नॉट बी सीन फेल्ट टच्ड एंड मेजर्ड। तो इसमें एक ही चीज़ रखना पड़ेगा, ये लिख लेंगे इसको हम कैन नॉट बी, इसको ऐसे मार कर लिया, cannot be seen, touched, measured, ठीक है। तो ये हमको हमने बना लिया, ये cannot be, इस बस इतना ही, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कैप्सूल लर्निंग है। इंडिविजुअल आइटम्स कैन नॉट बी सीन टच्ड और मेजर्ड, तो ये हमने किसके लिए बनाया, इनविजिबल आइटम्स के बारे में। कितने तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में कितने हमने लिए, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स, तो हम ने इसको लिए। अब हम आते हैं अगला, जो पहला हमारा था वो क्या था, विजिबल, ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स इसी में होते हैं, विजिबल आइटम्स, ITEMS आइटम्स, विजिबल आइटम्स। अब विजिबल आइटम्स में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, जो भी हम सोचते हैं, आलू प्याज अदरक जो भी है, वो सब जो भी टेंजिबल है, जो भी दिखाई देता है, वो सब इसमें इंक्लूड किया जाते हैं। तो एक्सपोर्ट लिखते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट,
all tangible oblique seen oblique touched ठीक है आइटम्स ऐसे मैंने कर दिया जितने भी सो दिस इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स इसको हमने कहा फिजिबल एंड फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड दिस आर कॉल्ड विजिबल आइटम्स एज दे आर मेड ऑफ सम अदर मैटर्स और मटेरियल्स दैट कैन बी सीन टच और मेजर्ड एक वर्ड मैंने यहाँ छोड़ दिया MESURED मेजर्ड इसको नापा तोला जा सके इसको तो मैं सीन टच मेजर्ड जिसे हमने यहाँ बताया सीन टच एंड मेजर्ड तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा तो इस तरह हमने देखा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की बात पूरी हो गई तो आज हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये दूसरा वीडियो है इसने इस बात पर फोकस किया कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिफिनेशन है उस पार्ट को हमने लिया ये पहला वीडियो है इनफैक्ट इसमें हमने ये किया अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे धन्यवाद